اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد नाजरीन आज कलामुल्लाह के ग्यारहवें जुज पर हम गुफ्तु करेंगे इस जुज की शुरुआत में मुसलमान की एक तस्वीर पेश की गई है उसे कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए इसलिए अगर हम उसे टाइटल देना चाहें तो कह सकते हैं कि मुस्लिम ए डेडिकेटेड कैडर ऑफ इस्लाम इस्लाम की सफ़ों में भी दुश्मन इस्लाम होते हैं उनकी सोच गंदी होती है उन्हें खुदा के रास्ते में माल खर्च करना जान देने के बराबर होता है वो मुसलमानों के बदखा होते हैं और उन पर किसी मुसीबत के आने का इंतज़ार करते हैं कुछ उनमें तोहबा करके नेक भी हो जाते हैं और अपनी गलतियों की असलाह भी कर लेते हैं असल चीज़ है अमल वो अमल करके दिखाएं कि इस्लाम और मुसलमानों से उन्हें हकीक़ी दिलचस्पी है ममिन की तस्वीर अल्लाह ताला ने पेश की वह ऐसे होते हैं अपनी जानों और मालों को जन्नत की खातिर बेच देते हैं और ख़ुदा के रास्ते में जान देना उनके लिए बहुत आसान होता है इसके बरक्स मोमिन वो होते हैं जो जन्नत के इवज अपनी जानों और मालों को खुदा के हाथ बेच देते हैं अल्लाह के साथ उनके एक तजारत है जिसमें वो कामयाब हो गए मोमिन से कहा गया कि वो सच्चे लोगों की सहबत इख्तियार करें दीन के रास्ते में जो मुसीबत भी वो उठाते हैं जो भूख और प्यास वो बर्दाश्त करते हैं और कुफ़ार का जो गैज़ और गज़ब है उसका नशाना बनते हैं उन सब के इवज़ में अल्लाह ताला के हाँ उन्हें अजर लिखा जाएगा खुदा के रास्ते में उनका छोटा या बड़ा इफाक़ और दीन की खातिर जो वादियाँ भी वो सर करते हैं उन सब पर उन्हें अजर मिलेगा ज़िंदगी में हर साल एक मर्तबा या दो मर्तबा हमारी ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं हमें मालूम होना चाहिए कि ये आजमाइशें इसलिए आती हैं कि बंदे अपनी गलतियों से तौबा करें खुदा की तरफ पलटें और नसीहत हासिल करें इस जज्स का जो दूसरा मजमून है वो ये है कि हु इज़ लॉर्ड खुदा का बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत तारफ़ इस जज़् के अंदर आया है तुम्हारा रब वो है जिसने रसूल को भेजा और कुरान नाजिल किया जिसने आसमान और ज़मीन को छः दिनों में पैदा किया अर्श पर मुतमक्किन हुआ सारी कायनात और उसके ख़जाने उसके हाथ में हैं सारी कायनात के चलाने का वो इंतज़ाम करता है लोगों सुनो यह तुम्हारा रब है बस इसकी इबादत करो याद रखो कि उसी की तरफ मरने के बाद लौट कर जाना है उसका वादा सच्चा है वही पैदा करता है वही दोबारा पैदा करेगा ताकि तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला दे वही है जिसने सूरज को रोशन बनाया चाँद को मुनवर बनाया उसके बढ़ने घटने का हिसाब लगाया और ये सब चीज़ें तुम्हें खुदा का पता देती हैं दिन और रात को बारी बारी वही ले आता है आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें सब उसी ने पैदा किए हैं उसमें नशानियाँ हैं शा रखने वालों के लिए जिन्हें हमसे मुलाकात का यकीन नहीं है वो इस दुनिया पर मरे जा रहे हैं और हमारी नशानियों से गाफिल हैं मगर अल्लाह ताला किसी को पकड़ने में जल्दी नहीं करता उन्हें खूब भटकने का मौका देता है तुम्हारा हाल ये है कि जब तुम्हें तकलीफ़ छू जाती है तो हर पहलू बैठे हुए लेटे हुए खड़े हुए तुम उसी को पुकारते हो और जब तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाती है तो तुम यूँ पलट कर चल देते हो जैसा कि तुमने कभी उसे पुकारा ही नहीं तो को पहचानने का एक तरीक़ा वो था जो कायनात की निशानी अल्लाह ताला ने बताएं तोहद को पहचानने का एक तरीक़ा यह है कि आदमी अंदर की तरफ जाए और अपने ज़मीर से बात करे योर इनर कॉन्शियंस इज़ ए रिमाइंडर ऑफ तोहद जब लोगों को तकलीफ के बाद हम रहमत से नवाजते हैं तो वो साजिशें करना शुरू कर देते हैं अल्लाह तुमसे ज़्यादा मामिल की तदबीर करता है क्यों तुम भूल जाते हो कि जब तुम्हारी कश्ती भंवर में फंसती है और मौजें उठ कर तुम्हारी कश्ती को हर तरफ से थपेड़े मारती हैं और जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि अब डूबे कि तब तो उस वक्त सब को भूल कर तुम किसको पुकारते हो खुदा ही को तो पुकारते हो मगर इंसानों की यह नमक हरामी कि जब अल्लाह ताली उन्हें मुसीबतों से नजात देता है तो वो पलट कर जमीन में फसाद बर्पा करने लगते हैं तो उन्हें कहा गया कि अपनी ज़मीर की बात को सुनो, सुनो और आवाज़ को सुनो और कायनात में बिखरे निशानियों की तरफ फिर एक और बार इशारा करके बताया कि यूनिवर्सल साइंस आर रिमाइंडर सफ्ताहीद लोगों तुम इस पर क्यों गौर नहीं करते कि कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क अदा करता है कौन है जो तुम्हें सुनने और देखने की सलाहियत देता है कौन है जो मुर्दा से ज़िंदा और जिंदा से मुर्दों को निकालता है कौन है जो तुम्हारे मामलों की तदबीर करता है कभी तुम कह देते हो कि अल्लाह है फिर उससे डरते क्यों नहीं हो लोगो ये तुम्हारा रब है सच्चा रब है और हकी रब है और हक बात आ जाने के बाद फिर क्यों तुम गुमराहि में पड़े हुए हो क्यों तुम उससे मुँह मोड़ ज़िंदगी बसर करना चाहते हो रसूल जब दुनिया में आते ही तो वो भी तोहद का पैगाम सुनाते हैं प्रॉफिट्स रिमाइंडर ऑफ तोहीद हमने नबियों को भेजा ताकि लोग राह रास्त पर आ जाएं। मगर लोगों ने कहा कि हम अपने बाप दादा के रास्ते पर ही चलेंगे जो लोग समझते नहीं उनकी अक्ल पर गंदगी पड़ जाती है उसे छोड़कर किसी को न पुकारो अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई मदद नहीं कर सकता और अगर वो तुम्हारे लिए भलाई करना चाहें तो कोई उस खैर को तुमसे दूर नहीं कर सकता लोगों हक हाँ आ गया है हिदायत पा लो रसूल की तरफ जो वही की गई है उसकी इत्तिमा करो फिर रसूल वसल्लम से कहा गया कि रसूल आप सब्र इख्तियार करें यहाँ तक कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाए नाजरीन ये वो मज़ामीन थे जो इस पारे के अंदर आए हैं अब हम सब्जेक्ट ऑफ द डे पर बात करेंगे वो है तोहीद तो द डिवाइन यूनिटी ऑफ गॉड लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी तलीमत का मरकज महवर यानी उसका सेंट्रल एक्सिस या उसका पिवट अद तो है और ये इस्लाम की अहम तरीन बुनियाद है बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है जिस पर इस इस्लाम की पूरी इमारत खड़ी होती है इस्लामी तालिमात की सारी शाखें उसके सारे ब्रांचेस अकीद तोहैद से फूटती हैं हम ये कह सकते हैं कि अकीद तोहैद बीज है इस्लाम उससे निकलने वाला दरख्त है उसकी शाखें जिंदगी के वो तमाम गोश हैं जिनमें इस्लाम रहनुमाई करता है और इस दरख्त के फूल और फल वो खुशगवार असरात हैं जो इस्लाम समाज पर अकीद तोहद के नतीजे में छोड़ता है जब कोई शख्स मुसलमान होता है तो सबसे पहला काम यह होता है कि वह अकीद तोहेद की शहादत दे वो गवाही देता है कि कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इलाह है लोगों ने जिन जिन चीज़ों को इलाह बना लिया उन से वो इनकार करता है और एक अकेले खुदा काकरार करता है एकता व एगाना अल्लाह ताला की खास सिफत है मौजूदात में से कोई दूसरा उसकी सिफत से मुतसिफ नहीं है वो एक है कोई उसका सानी नहीं वही अकेला खुदा है जिसने हमें पैदा किया हमारा जिस्म बताता है कि इसकी तखलीक़ सिर्फ एक जहन और एक दस्त कुदरत की कार फरमाई है दो लोगों का ये डिज़ाइन हो नहीं सकता और दुनिया में हमारे वजूद के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं उस पर भी गौर करने से मालूम होता है कि वो एक ही है जिसने सूरज चाँद सितारे आसमान जमीन बारिश पहाड़ पानी बागात खेतियाँ अनाज और गल्ले सब उसने बनाए ये इंतजाम अगर दो हस्तियों का डिज़ाइन होता तो फिर इंसान के लिए यहाँ रिस्क मिलना मुश्किल हो जाता ये दो हस्तियों का डिज़ाइन नहीं है इसलिए वही अकेला राजीक है जब वो अकेला खालिक और राज़ी है तो वही अकेला मबूद भी है ये इंसानों की नमक हरामी होगी कि खाएं किसी और का और इबादत किसी और की करें वही एक खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा ना उससे पहले कोई खुदा था ना उसके बाद कोई खुदा होगा कायनात की किसी भी चीज की तरफ अगर एक इंसान डिवाइनिटी मंसूब करता है तो वह शिरक करता है जो इस्लाम की निगाह में नाकबिल माफी गुनाह है जब तक इंसान तोबा ना कर ले खुदा की हस्ती की हकीकत तक पहुंचना इंसानों के बस की बात नहीं इंसान एक फ़ाइनेट हस्ती है जबकि अल्लाह सुबाह एक इनफाइनेट हस्ती है खुदा की मुक़दस हस्ती के फहम के लिए उसे उसकी सिफात से पहचाना जाता है आम तौर पर मशहूर है कि उसके नन्यानवे नाम हैं नाइन्टी नाइन नीम्स ऑफ़ गॉड या ये कहते हैं कि उसके असमाय हुसन हैं कि एक्सेलेंट नीम्स ऑफ़ गॉड उन नामों को हमारे इस्कालर्स ने बताया है कि उसकी दो बड़ी किस्में हैं एक जमाली सिफ़ात हैं जैसे कि वो रहमान है, वो रहीम है जो अपने बंदों पर इंतहा मेहरबान है, वो रब है जो हमें खिलता और पिलाता है वह सम उ दुआ है वह हमारी पुकार को सुनता है वह मुजीब है वह हमारे दुआओं को कबूल करता है वो मन्नान है जो हम पर एहसान करता है वो दयान है इसलिए बहुत बड़ा दाता है, वो फ़याज़ है यानी वो सखावत करता है इसके बरस नामों की दूसरी किस्म वो है, जिन्हें हम जलाली सिफात कहते हैं इससे अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई और साहब इकदार होना समझ में आता है जैसा कि वह आदिल है वो इंसाफ़ करेगा और कयामत का दिन लाएगा और वहाँ सब के साथ इंसाफ होगा वो अजीज़ है यानि पावरफुल है वो सब पर गालिब है वो सुल्तान है यानि बादशाह है वो शदीदुल्कब है यानि बड़ी सख्ती से पकड़ने वाला इससे यह मालूम होता है कि उसकी हस्ती नवाजने वाली हस्ती भी है मगर उसके साथ साथ वह अपने बंदों से एक अप्राइड बिहेवियर एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट उसका मुतालबा करता है और जो जुल्म और नाफ़रमानी करेंगे उन्हें ज़रूर वह सख्त सज़ा भी देगा बाज़ ओरिएंटलिस्ट यानि मुस्तशरक खुदा के इन सिफात से उनको शदीद एतराज़ है यानि वह सिफात से वो कहते हैं कि वो कैसा खुदा है जो इंतकाम लेता है गजबनाक होता है सजा देता है यानि उनके नज़दीक खुदा तो सिर्फ नवाजने वाला हो सख्ती करने वाला और पकड़ने वाला ना हो यही लोग जब साइकोलॉजी में पेरेंटिंग पर लिखते हैं तो सबसे अच्छे वालिदैन उनको बताते हैं जो प्यार और मोहब्बत और जज्बाती सपोर्ट और जिंदगी की जरूरियात फराहम करने के साथ साथ बच्चों से अखलाकी बर्ताव की तवक्को रखें उन्हें डिसिप्लिन करें और उनसे कुछ अखलाकी बर्ताव और कुछ परफॉर्मेंस का डिमांड रखें उन्हें वक्त का पाबंद बनाए और उनसे कुछ टास्क एक्सपेक्टेड होते हैं वरना वो कहते हैं कि जहाँ सिर्फ नमाज नहीं ही ना हो और बच्चों से किसी अखलाकी तालीम दोस्तों की अच्छी सोबत और घर में किसी परफॉर्मेंस की कोई तो ना हो वो घर शैतान खाना बन जाता है यही लोग कहते हैं यानी वो चाहते हैं कि बाप परमिसिव ना हो बल्कि अथॉरिटेरियन हो घर में उसकी अथॉरिटी मुसलम हो अगर परमिसिव पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे जबकि खुदा के बारे में चाहते हैं कि वो परमिसिव हो जाए इसे हम एक बचकाना बात नहीं कह सकते इसलिए कि बच्चे अपने बाप से मोहब्बत भी करते हैं और उसका डर भी रखते हैं इसे हम एक अहमकाना मुतालबा कह सकते हैं इस्लाम का नुक़ः नज़र यह है कि जिसने खुदा को पहचान लिया वह तोहद का परस्तार होगा वरना उसने खुदा की हकीकत ही को नहीं समझा खुदा को इंसान जैसे ही किसी शक्ल में सोचता है वह शर्क का इरतका करता है खुदा की जात वो है जिसकी कोई मिसाल नहीं है लई शही शईद तोहेद को साबित करने के लिए हमारे फलसफे और कलाम के माहरीन ने कई तरीके अपनाए हैं उनमें टेलियोलॉजिकल मेथड अब्जर्डम मेथड कॉज ऑफ द कॉज मेथड गॉड एज नेसेसरी एग्जिस्टेंट मेथड इस तरह के मेथड्स को अपनाते हैं ये सब फलसफियाना बहसें हैं इस वक्त आज के इस सेशन में हम ये सब बात करने नहीं जा रहे हैं इस कायनात में पाए जाने वाले अजीम डिज़ाइन के हवाले से खुदा की वहदानियत को साबित करने के तरीक़े को टेल्योलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो थियोलॉजी का एक सब्जेक्ट है उस आर्ग्यूमेंट के मुताबिक खुदा को साबित किया गया अरस्तु अफलातून और सुकरात यानी आरिस्टोटल प्लेटो एंड सोक्रेटिस उनका भी यही तरीक़ा था यानी एक ऐसा तर्ज इस्तलाल जिसमें तख्लीक कायनात को बुनियाद बनाते हैं और उसमें पाए जाने वाले हैर तंगे डिज़ाइन को खुदा के वजूद को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब इन शह हम इस जज की सात आयतों को लेकर तोहद के सबूत में टेलियोलॉजिकल मेथर्ड से चार बातें पेश करेंगे इन आयतों की तिलवत हम उसके मुनासब मुकाम पर करेंगे कायनत के मुतालिक जो चार बातें सामने आती हैं वो ये हैं नंबर एक वास्टनेस इन क्रिएशन नंबर दो ऑर्डरलीनेस इन यूनिवर्स नंबर थ्री आर्टिस्ट्री इन क्रिएशन नंबर चार पर्पसफुलनेस इन क्रिएशन इनमें से पहला है कायनात में पाई जाने वाली बे इंतहा कसरत यानी वास्टनेस इन क्रिएशन शुरह नंबर दस आयत नंबर तीन और चार उसकी देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है

इन हुकीकत ये है कि तुम्हारा रब वही खुदा है जिसने आसमानों और ज़मीन को छः दिनों में पैदा किया फिर तख्त हुकूमत पर वह जलवागर हुआ और कायनात का इंतज़ाम चला रहा है कोई शफात करने वाला या सिफारिश करने वाला नहीं होगा इल्ला ये कि उसकी इजाज़त के बाद ही शिफात करेगा यही अल्लाह तुम्हारा रब है लिहाजा तुम उसी की इबादत करो फिर क्या तुम होश में ना होगे? उसी की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है ये अल्लाह का पक्का वादा है बेशक पैदाइश की इब्तदा वही करता है और फिर वही दोबारा पैदा करेगा इन आयतों को पढ़ने से इंसान पर एक हैरत और एक इस्तेजाब की कैफियत तारी होती है यह कायनात इंतहाई बड़ी है इंतहाई अजीम है और इंसानी अक्ल इस पेचिदा कायनात को समझने में आजिज़ है जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है इस कहकशा में हमारे सूरज की तरह 300 बिलियन सूरज पाए जाते हैं 300 बिलियन सन्स इस एक मिल्की वे गैलेक्सी में और हर सूरज का अपना एक सोलार सिस्टम है हमारी कहकशा की तरह दो ट्रिलियन और कहकशाएं पाई जाती हैं हमारी कहकशा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसकी जो दूरी है उसका जो डिस्टेंस है वो तीन लाख नूरी साल की है थ्री लाख लाइट ईयर्स आप पूछेंगे थ्री लाख लाइट ईयर्स कितना होता है एक नूरी साल की लंबाई कितनी होती है पहले मालूम कर लें एक नूरी साल यानी लाइट को पास होने के लिए कितना वक्त लगता है नाइन ट्रिलियन किलोमीटर है वन लाइट ईयर इन टू नाइन ट्रिलियन अगर करेंगे पेचीदा कैलकुलेशन है हमारे इस कहकशां के बाजू एक और कहकशां है। जिसका नाम है एंड्रोमेडा उस कहकशां के एक किनारे से दूसरे किनारे तक यानी उसका जो डायमीटर है वो है वन लैख फिफ्टी टू थाउजेंड ईयर्स। दोनों का आपने देख लिया कि कितना वाइडर है ये और हमारे और हमारे पड़ोस की कहकशा के बीच में जो गैप है ये कहकशा और ये कहकशा इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक रोशनी को ढाई मिलियन नूरी साल चाहिए ख़ातन हजरात ये आदाद और शुमार ये न्यूमरिकल्स सर चकरा देने वाले हैं मैंने सिर्फ़ दो कहकशाओं का गैलेक्सीज़ का ज़िक्र किया इस तरह के दो ट्रिलियन गैलेक्सीज़ हैं जिसे इंसानों ने अब तक पहचाना है अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाहमदिल्ला अकबर अब हम आलम अकबर से आलम असगर की तरफ आते हैं यानी माइक्रो कॉस्मास से माइक्रो कास्मास की तरफ आइए इंसान सेल्स का मुरक्कब है अंदाज़ा लगाया गया है कि एक इंसान के जिसम में हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स होते हैं इंसान बहुत से माइक्रोब्स से जरसूमों से बना है अंदाज़ा लगाया गया है कि एक इंसानी जिसम में थर्टी नाइन बिलियन जरसूमे या माइक्रोब्स पाए जाते हैं जैसे किसी शहद की मक्खी के छत्ते में आप हजारों मक्खियों को भिन भिनाते हुए देखते हैं आप खुद अपने आप को लेबॉरट्री में ले जाएं और हाई रेजोल्यूशन कैमरा या हाई रेजोल्यूशन लेंसेस से अपने आप को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि आपका जिस्म 39 बिलियन माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का एक छत्ता है जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में आपको हजारों शहद की मक्खियाँ भिन भिनाती हुई नजर आती हैं ऐसे ही ऐसी आपके जिस्म में भी इस तरह के माइक्रोब्स हैं तो मालूम हुआ कि आपकी पैदाइश में भी वासनस है जैसे कायनात में वासनस है वैसे इंसानी ज़ात के अंदर भी वासनस है बेानतहा आदाद शुमार आप गिनना चाहें तो मुश्किल है उतनी तैदाद के जरासीम आपके अंदर मौजूद हैं उतने सेल्स आपके अंदर पाए जाते हैं ख़वान हजरात इसी तरह आप अगर दरख्तों के पत्तों को गिनना चाहें तो बेानतहा कसरत को देखेंगे फूलों फलों सब्ज़ियों तरकारियों और अनाज के जायकों के तनवो हैवानों और हशरातुल अर्ज, यानि कीड़े मकोड़े इन सब के अनवाकसाम पर निगाह डालें वो सब हमें हैरान और शशदर कर देते हैं खुदा को पहचानने का एक जरिया ये है यानी खुद कायनत और अपनी ज़ात पर इंसान निगाह डाले और वाइसनेस ऑफ क्रिएशन पर गौर करें नंबर दो ऑर्डरलीनेस इन द यूनिवर्स यानी इस कायनात के अंदर एक नज़ु ज़ब्त पाया जाता है हैफ़ लईली वन हारी वम कल कल्लाुफ समावाती ला लाआया तिल कौमी यानी रात और दिन के उलट फेर में और हर उस चीज़ में जो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों में पैदा की है निशानियां ही उन लोगों के लिए जो गलत बीनी और गलत रवि से बचना चाहते हैं एक और आयत आयत नंबर थर्टी वन उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि कुल मई युकुम मिन वल अर्थ अम मई यम लिकु सम आवल अबसार वमाई युखरिजुल हई मिनल मई ती व युखरिजुल मई तमिनल हई वमाई युदबिर अम्र फसूल फकुल अफला तत्कून इनसे पूछो कि कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है ये समात और बीनाई की क़वतें किसके के में हैं कौन बेजान से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है कौन इस नज़म आलम की तदबीर कर रहा है यानी जो यूनिवर्स में ऑर्डर पाया जाता है कौन उस ऑर्डर को चला रहा है वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह कहो फिर तुम हकीकत के ख़िलाफ़ चलने से परहेज़ क्यों नहीं करते इस कायनात की दूसरी पहचान है वो है नज्म आलम यानी ऑर्डरलीनेस इन द यूनिवर्स यानी कायनात की हर चीज एक नज्म ज़ब्त के तहत पाबंद है कोई शय आज़ाद नहीं है कोई जुज अपने आप में कोई वजूद नहीं रखता वो दूसरों के साथ मरबूत है उसकी हरकत दूसरों की हरकत से जुड़ी हुई है एक अनाज का दाना अपने वजूद में सारी कायनात का मरहून मिन्नत है सब मिलकर उसकी परवरिश करते हैं अगर इस नज्म में इस ऑर्डर में कहीं भी खलल वाक़ हो जाए तो इस रोए जमीन पर इंसान भूखे मर जाएंगे सूरज के तुलू और गुरूब का वक्त मुतन है उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी फर्क वाक नहीं होता हवाओं के चलने बारिश के बरसने, मौसमियात के तब्दील होने और फलों और अनाजों और फसलों के दरमियान एक गहरा रब इस में ज़रा बराबर फ़र्क हो जाए तो इंसानी जिंदगी तबाह हो जाएगी इस ज़मीन पर यह खुदाए तआला को पहचानने की दूसरी नशानी है खुदाए तआला को कायनात में पहचानने की तीसरी नशानी है आर्टिस्ट्री इन क्रिएशन यानी वो सान अजीम है उसकी कारीगरी और उसकी सनत और उसकी आर्टिस्ट्री कायनात के जर्रे जर्रे में देखा जा सकता है कुरान कहता है इन मामल दुनिया का मा इमिन फ़ख्तल तब ही नबातुलर्ज ममाकुल्नासमफ़ा वन अहलुहा हा हारन फ बिल्स खन आया तिल कौमी फरून दुनिया की जिंदगी जिसम के नशे में मस्त होकर तुम हमारी नशानियों से गफलत बरत रहे हो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो ज़मीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई फिर आन उस वक्त जबकि ज़मीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी संवरी खड़ी थी और उनके मालिक ये समझ रहे थे कि अब हम इनसे फ़ायदा उठाएंगे और उस पर हम खाती रहें एकाएक एक रात या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं इस तरह हम नशानियाँ खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं नाजरीन अल्लाह ताला की तख़लीक में आप बेतरतीबपन नज्म और तरतीब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं पाएंगे यानी कोई तख़लीक हेफ़ाट नहीं है कोई डिज़ाइन रैंडम नहीं है हर बार आप पहाड़ों और वादियों को देखिए उसमें एक अजीम आर्ट नज़र आएगा आप बहती नदियों को घने घने बागात को लहलाती हुई खेतियों को देखे तो खुदा की सन्नाई और कारीगरी से आपका दिल मचल जाएगा इस वक्त हमारे मरकज़ में जगह जगह बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं हर फूल हमें अपनी रंगत नज़ाकत ख़ूबसूरती और डिज़ाइन के ज़रिए बुलाता है और हमसे कहता है कि देखो खुदा ने मुझे कितना ख़ूबसूरत बनाया तुम मेरे पास बैठते क्यों नहीं हो तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते हो अल्लाह अकबर एक एक फूल कितना हसीन और कितना नाजुक है उन्हें देख कर खुदा याद आता है सुबह का सूरज जब तुलू होता है तो उफक पर खूबसूरत लाली का डिज़ाइन बनता है बर्फ़ानी पहाड़ों पर सूरज की शुआँ जब पड़ती हैं तो वह एक हसीन मंजर होता है और उसकी चमक दिल रुबा होती है समंदर में उठने वाली मौजों के टकराने की सदाएँ उनमें और रिम रिमझिम रिम जीम जो बारिश बरसती है उसकी मौसीक़ी कितनी हसीन होती है हसीन व जमील परिंदों उनकी रंगत और उनकी अदाओं को देखें कि वो कितने खूबसूरत हैं जीबरे की धारियों को देखिए चीते के छींटों को देखिए गज़ाना के छरारे बदन को देखिए एक से एक हसीन डिज़ाइन एक एक फल के डिज़ाइन को देखिए कोई लाल कोई ऑरेंज, कोई ग्रीन कोई डार्क ब्लू कोई येलो कैसे खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया गया आम अमरूद ऑरेंज, तरबूज अनानस हर एक जायका अलग है हर एक की डिज़ाइनिंग बहुत बारीक है ये तीसरी दलील है चौथी और आखिरी दलील ये है कि पर्पसफुलनेस इन क्रिएशन कायनात की कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं की है

वही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया यानी रोशन बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने बढ़ने की मंजिलें ठीक ठीक मुकर कर दी ताकि तुम उससे बरसों और तारीखों के हिसाब मालूम करो अल्लाह ने यह सब कुछ खेल के तौर पर पैदा नहीं किया बल्कि बा मकसद बनाया वह अपनी नशानियों को खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं आयत नंबर सिक्सटी सेवन को देखें वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें सुकून हासिल करो दिन को रोशन बनाया उसमें निशानियां ही उन लोगों के लिए जो खुले कानों से पैगंबर की दावत को सुनते हैं कायनात की कोई चीज़ अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं बनाई सूरज और चाँद को बनाया तो एक दिन में रोशनी और गर्मी देता है तो दूसरा रात में ठंडी रोशनी देता है सूरज से एक कैलेंडर तरतीब पाता है और चाँद से दूसरा कैलेंडर तरतीब पाता है दोनों का वजूद फलों के पकने के लिए बहुत ज़रूरी है इंसानों को अल्लाह ताला ने आँख और कान जैसी नेमतें दी दोनों मकसद हैं और दोनों में अजीम कारीगरी पाई जाती है रात को उसने बाई से सुकून बनाया जब इंसान थक कर बिस्तर पर दराज होता है तो उसे सुकून मिलता है उसका अंग अंग राहत से सर होता है उसके जिस्म के अंदर की जो केमिकल फैक्ट्री है उस वक्त काम करना शुरू करती है और इंसान के लिए सेहत बख्श जो केमिकल्स हैं वो खारिज करते हैं दिन को उसने रोशन बनाया ताकि इंसान उसमें मुआशी दौड़ धूप करे और रात को बाई से सुकून बनाया नाजरीन ये है खुदा का तारफ़ जो इस में हमें मिलता है मगर अफसोस है कि लोगों ने खुदा को नस्लों ज़ातों और कौमों का खुदा बना दिया खुदा के सिलसिले में बड़ी नाानसाफ़ी और तंग नजरी दुनिया में पाई जाती है यही वो आलमीन है वो एक है और अकेला है ज़मीन आसमान सूरज चांद सितारे बारिश अनाज गज़ा सेहत बीमारी दौलत इल्म के अलग अलग देवता और देवी नहीं हैं बल्कि एक ही खुदा है सब कुछ वही करता है वही पैदा भी करता है वही मारता भी है खुशी और ग़म वही देता है वही अमीरी और गरीबी देता है वही मरीज़ों को शिफा देता है वही इल्म का मंबा और मरकज है आसमान और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ उसी के हाथ में ही रिस्क वही देता है दुआएं वही सुनता है इसलिए उन तमाम बातों से अल्लाह ताक है जो मश्रक उसकी तरफ मनसूब करते हैं सुबहानल्ला आमा या वो अव्वल भी है आखिर भी है ज़ाहिर भी है मातिन भी है उसका इकतदार सारी कायनात पर है और सारी चीज़ों पर वो कुदरत रखता है वह राहमान है वर्रहीम है कायनात में मौजूद बेानतहा कसरत नजमज हुसन व कारीगरी और मकसदियत गवाही देते हैं कि इस कायन के एक ही खुदा है आओ हम सब उसी के होकर रहें आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदल रबीम